हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का भाग दूसरा है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर एक है, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है? अगर किसी को मृत्युदंड का सजा सुनाया गया है तो उसको क्षमादान करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो वो किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। नंबर टू देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हैबिस कॉर्पस राइट कौन दाखिल करता है? हैबिस कॉर्पस राइट कौन दाखिल करता है? तो आंसर हो जाएगा निरुद्ध व्यक्ति अथवा किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा भी दाखिल किया जा सकता है। निरुद्ध व्यक्ति अथवा किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा भी दाखिल किया जा सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। आगे देखिए, तीन नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो किसमें निहित है दोस्तों? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान में संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। चौथा नंबर, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो राजनीतिक दर्जा क्या था इसको भारत को मिला था? ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य। उस समय क्या था भारत? ब्रिटिश राजकुल का एक अधिराज्य था, क्योंकि उस समय तक हम पूर्ण रूप से गणतंत्र नहीं बन सके थे, इसीलिए उस समय का जो कार्यकाल है 15 अगस्त 1947 से और 26 जनवरी 1950 के बीच का जो कार्यकाल है उस समय के कार्यकाल को बोला जाता है ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य था। आगे देखिए, पांचवा नंबर, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के मूल अधिकारों से हटाकर विधि अधिकार बनाया गया? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर विधि अधिकार बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। सिक्स नंबर देखिए, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के बाद और संविधान के किस भाग में अंत स्थापित किए गए? तो 42वें आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के बाद और किस में किया गया था? भाग चार क में। आगे देखिए, सातवां नंबर क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? विधि के समक्ष समानता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? अनुच्छेद 14 जो है उसमें क्या है? विधि के समक्ष समानता को भारतीय संविधान में स्थान दिया गया है। आगे देखिए, आठवां नंबर, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है? किस समिति की सिफारिश के आधार पर जो हमारा संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया ये बताना है। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया। अगला है नौवां नंबर, मंत्रिमंडल में किस स्तर के मंत्री होते हैं? मंत्रिमंडल में किस स्तर के मंत्री होते हैं? तो आंसर हो जाएगा कैबिनेट स्तर के मंत्रिमंडल में मंत्री होते हैं। दसवां नंबर है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? तो वित्तीय आपातकाल स्थिति लागू करने का, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान 360 में किया गया है। 11 नंबर है, भारत में लोकसभा के लिए प्रथम चुनाव कब हुए थे?
तो ये चुनाव हुए थे 1952 में, भारत में लोकसभा के लिए प्रथम बार चुनाव हुआ था। 12 का देखिए, संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व में। आगे देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? जो संघ क्षेत्रों का प्रशासन होता है वो किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। आगे देखिए, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। अगला है 15 नंबर, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? जम्मू कश्मीर का जो संविधान है कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1957 को। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ। आगे देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किया जाता है। 17 नंबर देखिए, किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन समानता अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है अधिकतम? तो अधिकतम कितने अवधि के लगाया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए। आगे है, अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? तो कितने दिन तक रोक सकती है? 6 माह को। अवित्तीय आ जाएगा तो उसको 14 दिन। आगे देखिए 19 नंबर, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का विशिष्ट उद्देश्य क्या है? राज्य का जो नीति निदेशक सिद्धांत है उसका विशिष्ट उद्देश्य क्या है ये बताना है। आंसर हो जाएगा संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपक्रम बनाना। संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपक्रम बनाना। 20 नंबर देखिए क्वेश्चन, किस समिति या आयोग ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की संतुति की थी, सिफारिश की थी? तो किसने की थी? स्वर सिंह समिति ने। स्वर सिंह समिति ने सिफारिश की थी मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का। आगे देखिए 21 नंबर है, भारत के संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू करने का उत्तरदायित्व किसका है? भारत के संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू कराने का उत्तरदायी किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय तथा सभी उच्च न्यायालयों का। आगे है 22 नंबर, भारतीय संविधान किने शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान किने शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो बच्चों और महिलाओं को। आगे 23 नंबर क्वेश्चन, कौन सा लेख या राइट व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षक है? कौन सा लेख व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षक है? तो वो कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, हैबिस कॉर्पस। 24 का, भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में कब जोड़े गए? भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? तो 1976 में जोड़ा गया। 1976 में जोड़ा गया। आगे है आपका 25 नंबर, लोक लेखा समिति किसकी रिपोर्ट का निरीक्षण करती है? लोक लेखा समिति किसकी रिपोर्ट का निरीक्षण करती है? तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का निरीक्षण करती है। 26 क्वेश्चन दोस्तों, संसद द्वारा राष्ट्रीय संकट का अनुमोदन करने की समय सीमा क्या है? संसद द्वारा राष्ट्रीय संकट का अनुमोदन करने की समय सीमा क्या है? आंसर हो जाएगा 1 माह। 27 का, यदि राज्य केंद्र सरकार के आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? यदि राज्य केंद्र सरकार के आदेशों का पालन नहीं करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है ये बताना है।
राष्ट्र आंसर हो जाएगा, घोषणा कर सकते हैं कि राज्य का संवैधानिक तंत्र टूट गया है तथा राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकते हैं। राष्ट्रपति को कभी ऐसा लगने लगे कि वहाँ का जो संवैधानिक तंत्र है खराब हो गया है, वहाँ पे संविधान का पालन अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है उस स्टेट का, तो वो राज्य का शासन अपने अंतर्गत ले सकते हैं। 28 क्वेश्चन, लोकसभा में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए? लोकसभा में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 50 सदस्यों का। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 का संबंध किस विषय से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 का संबंध किससे है? अनुच्छेद आपको याद रखना है किससे, कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद जो है आपका 28, अनुच्छेद जो है 28 का संबंध किससे है ये आपको बताना है, ठीक है? तो किससे है सर, ये सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा के निषेध से। तो जो अनुच्छेद 28 का संबंध किससे है, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा के जो है विरुद्ध है, निषेध से है। मतलब आप क्या कर सकते हैं, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। आगे है 30 नंबर और आखिरी क्वेश्चन है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद को कौन ग्रहण कर सकता है? अगर राज्यपाल नहीं है, अगर वहाँ का पद खाली है, तो उसके पद को कौन ग्रहण कर सकता है ये बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो दोस्तों ये पूरा 30 क्वेश्चन था, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है, ये जो एक के बाद एक वीडियो लाया जा रहा है, ये आप लोगों को पसंद आ रहा है। अगर दोस्तों आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आप क्या करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, हमारा जो तथ्य है वो अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर लाइक करें, जिससे कि हम मोटिवेट होकर और वीडियो बनाएं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों।